So friends, it's 4:30 and now we are heading toward Pamban bridge. देखते हैं जगह एक्सप्लोर करने मिलते हैं कि नहीं. पंबन ब्रिज के लिए रेलवे के लिए इंक्वायरी की थी, मगर दे आर सेइंग रेलवे है 6:15 को यहाँ से, जो कल हमको आते वक्त मिली थी ना वही ट्रेन. और तब तक बहुत अंधेरा हो जाता है यार, और काश कोई ट्रेन रहती 4:30-5 बजे तो काम हो जाता था. एक्चुअली मैंने प्लान किया था कि ट्रेन में से ट्रैवल करेंगे, बाइक यहीं पे रख के ट्रेन में से ट्रैवल करेंगे यहाँ से, और मंडपम करके स्टेशन है आगे वहाँ पे उतर जाएंगे, और बाद में वापस रिटर्न के लिए एक बार पंबन ब्रिज के ऊपर रेलवे से ट्रैवल करके देखेंगे डोर में खड़े रह के. सो वो पॉसिबल नहीं होगा अभी, तो ट्राई करेंगे रेलवे ब्रिज पे जाने के लिए साइड से, बस बाइक पार्किंग के लिए एक सेफ जगह मिल जाए. सो फ्रेंड्स, अभी जस्ट इस लक्ष्मण तीर्थम टेम्पल में से बाहर निकले, अच्छा मंदिर है, एंड सामने का नज़ारा देखिए, श्री भोले शंकर जी का आइडल बना के कैसे किया है. फ्रॉम मुंबई, मुंबई में यार पाल ठाकरे, राज ठाकरे, नो तमिलनाडु पाल ठाकरे. So we park bike over there and now we are going to railway bridge of Pamban through this village. First glimpse of Pamban bridge of road. अभी इसके नीचे से जाके रेलवे ट्रैक मिलेगा हमें यहाँ पे, इस ब्रिज के नीचे से थ्रू रेलवे ट्रैक वहाँ पे जाएंगे. वी रीच दिस रेलवे क्रॉसिंग. Feels awesome यार, इतने पुराने रेलवे के ब्रिज के ऊपर आके. लेट मी टेल यू, दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया. दिस ब्रिज इज 2.06 किलोमीटर्स लॉन्ग, तो सोच लीजिए कितना लंबा है ब्रिज. सेम अप्लाइज फॉर हियर फॉर दिस रेलवे ब्रिज टू. नॉर्मली दे डू कीप दिस ब्रिज शट डाउन फॉर मेंटेनेंस पर्पज, बिकॉज ये बहुत पुराना है. आप उसकी ज़्यादा हाइट भी नहीं है, आप ये हाइट देख लीजिए पानी से, और वो हाइट देख लीजिए रोड्स की कितनी ऊपर से है, क्योंकि वो जो एरिया है ब्रिज का ओपन हो जाता है और उसके अंदर से बड़ी बड़ी शिप्स यहाँ से यहाँ पे पास हो जाती है. आप देख सकते हो वो गैप बहुत बड़ा है. कीप इट एज इट इज बिकॉज पासिंग वेरी बिग शिप्स. तो रेलवे का भी ये जो ब्रिज है ओपन हो जाता है. आपको एक इमेज दिखा देता हूँ ओल्ड, कैसे ब्रिज ओपन हो जाता है और फिर वो शिप्स इस ओशन में चली जाती है. पानी की क्लैरिटी देख लीजिए, कितना साफ है ये पानी. आई कैन सी ईल, स्मॉल ईल. लेट मी ट्राई टू ज़ूम इट. ये देखिए, स्विम नहीं कर रही उसका, हाँ धीरे 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 कर रही है. तो आप सोच सकते हैं इतनी बड़ा फिश, अरे भाग गया, अरे भाग गया. इतना बड़ा फिश क्लियरली दिख रहा है, वाव. ये एक ड्रिंक कंप्लीट हो गया, वाओ.
तभी हम वहाँ पे थे, वहाँ से हम पूरा ब्रिज वॉक कर करके यहाँ पे आए हैं, और तभी मैं ये फर्स्ट और ये सेकेंड वहाँ तक गया था। जो फुटेज आपने देखी इसके अर्लियर वो उस और उस लोकेशन में ली गई थी। स्टिल अभी ब्रिज और भी है आगे, आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्ट एरिया जहाँ पे वो ब्रिज ओपन होता है। लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, आई एम करंटली एग्जैक्टली इन मिडल ऑफ द पंबन ब्रिज। सो ये जो रेलवे का रूल कप जो एरिया है, रेलवे ट्रैक ओपन हो जाते ही ये जो एरिया वहाँ से ओपन हो जाता है, ये एरिया यहाँ से ओपन हो जाता है, और फिर उसके थ्रू अंदर से बड़ी बड़ी शिप्स यहाँ से ओशन से में पास होती है। नेट के ऊपर ऐसे बहुत सारे इमेजेस आपको मिलेंगे इफ़ यू सर्च, अगर कुछ मिला तो मैं डाल दूंगा, मगर कॉपीराइट का इशू आ जाता है इसके लिए। यहाँ पे गोलू ने छोटा सा जंक्शन जैसी चीज भी बनाई है टू ऑपरेट दिस थिंग। लुक एट दिस विंटेज मैन, आई विल कॉल इज विंटेज, वाओ, टू हैव अ पार्ट ऑफ दिस हिस्ट्री मैन। सो फ्रेंड, दिस इज द सेम ट्रेन विच वी गॉट यस्टरडे व्हाइल एंटरिंग रामेश्वरम। सो इट्स 6:40 करंटली। This is the Madurai Express, depart from Rameshwaram station at exactly 6 o'clock. The dinner, Hotel Ruchi non-veg. They have soup, seafood, chicken, noodles, and rice and biryani. Tiffin nahi chahiye bhai, khana de do. Bahut bhook lagi hai. Parotha and prawns masala. It's time to close this video. If you guys like this video, anyhow, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। अच्छा लगेगा मुझे, इतनी मेहनत ली आप लोगों के लिए। डू लेट मी नो आप लोगों को ये साउथ इंडिया के व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं इन कमेंट सेक्शन। एंड हाँ, इफ यू हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल देन आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज और भी बहुत सारे ब्यूटीफुल व्लॉग्स अपने चैनल पर आने वाले हैं। सो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।